ना भाई, मैं थोड़ा फिजिकल में ज्यादा इंटरेस्ट था, ज्यादा खेल कूद में भाई और गले खेले कर दी, घर आता मैं अच्छा बहुत कम खेले कर दी। अच्छा मतलब देख कल अलग लागी है भाई, याद है भाई हाँ खेलना हाँ है। बिल्कुल भाई। अच्छा फिर उत्ता के कुछ प्रोसीजर रहे? पहला मेरे भाई भी रेसलिंग खेले करता, गांव में जाया करता, तो मैं गांधी मैं भी चल लूंगी, तो बोलता ना तड़का ना ले जाऊंगा, अच्छा बोलिया आज जाऊंगी, हाँ बहुत जिद करे कर ना। भैंस कुछ कौन थी, बहुत आराम तो रहे कर दे भाई। अच्छा हाँ कि उस डाइट में के ले कर दे। डाइट में वही सवेरे बादाम पानी और सुबह शाम, फिर दोपहर में वही चूरमा वगैरह अपना देसी खाना। अच्छा मतलब देसी खै खै गात पाया है। हाँ बिल्कुल, दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो थामना जमा दिल थाम का बैठना पड़ेगा इंटरव्यू देखने खातर। और क्यों बैठना पड़ेगा? क्योंकि आजकल थम इंस्टाग्राम पर ट्रेंड देखते हो गए, छोरी सिर्फ वीडियो वीडियो में देखने में मिला। अब मैं कोई वीडियो बना दी पावे, कोई डांस कर दी पावे, कोई नच दी पावे है, अगर उनका आगे कोई छिपकली का बच्चा आ जाए, मिंडक का बच्चा आ जाए, तो देख के किलकी मारेगी। तो आज जो छोरी मेरा गला बैठी है, इसकी अपना आप में एक मिसाइल कायम करी है हरियाणा में। हरियाणा का नाम ऊंचा करे, अपना गांव का नाम ऊंचा करे है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर छलांग मारी है और कुकुर छलांग मारी है, उड़ा तक पहुंचने का सफर खिसा रहा है। सारी बातें आपने इस इंटरव्यू में बेरा लगेगा। तो मेरा गला बैठी है बेबे मंजू नैन। तो बेबे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। बिल्कुल, तो अपना बारह बिल्कुल स्टार्टिंग तो बताओ, अपना कौन सा स्कूल में पढ़ाई करी है, कौन से मास्टर थे, कौन से सब्जेक्ट थे, और स्टार्टिंग करो बिल्कुल। सबसे पहले मैं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, और वहाँ से मैं 10वीं पास करी। मैं वहाँ पे भी मैंने एक एडिशनल सब्जेक्ट हुआ जो उसमें भी फिजिकल एजुकेशन ही लिया था। अच्छा फिजिकल लिया था। हाँ मास्टर की मतलब शुरू मास्टर तो 12-13 थे। अच्छा अच्छा हाँ। नाम याद है कौन सा का? हाँ हाँ, मेहताब सर थे, सत्यवान सर थे, अजय अच्छा, सर और राजेश सर थे। अच्छा, पर सब्जेक्ट कौन से कौन से दे रखे थे बताओ आगे? सब्जेक्ट मेन हिंदी इंग्लिश ये अपने नॉर्मल होते हैं, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट जो लेवा आपा उसमें मना, उसमें भी फिजिकल एजुकेशन लिया था। शुरू से मेरा फिजिकल की तरफ थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा मतलब आपने शुरू से यह बात सोच ली थी कि मैंने फिजिकल हो करना है। हाँ। इस लाइन में स्पोर्ट्स लाइन में जाना है। बिल्कुल भाई। अच्छा पर और कोई मन माया, क्योंकि आजकल आप देखा हाँ कोई डांसिंग में जाओ, कोई मॉडलिंग में जाओ, कोई सिंगिंग में जाओ, है तो अपना अपना सपना यो बनाया फिर आगे? ना भाई, मैं थोड़ा फिजिकल में ज्यादा इंटरेस्ट था, ज्यादा खेल कूद में भाई और गले खेले कर दी, घर आता मैं बहुत कम खेले कर दी। अच्छा, मतलब देख कल अलग लागी है भाई, याद है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा फिर उत्ता के कुछ प्रोसीजर रहे? पहला मेरे भाई भी रेसलिंग खेले करता, गांव में जाया करता, तो मैं गांधी मैं भी चल लूंगी, तो बोलता ना तड़का ना ले जाऊंगा, बोलिया आज जाऊंगी, बहुत जिद करे कर दी। मतलब भाई ने रोके को नहीं, बस सॉरी तो टांग बात तड़ा लेगी कड़ा मारा गला जावे है? ना ना, उसने नो कुछ को नहीं कहा भाई। अच्छा, फिर उसका आगे क्या प्रोसेस है 10वीं के बाद? उसके बाद मैं स्पोर्ट्स स्कूल, भाई ने एडमिशन करवाया था पहला मेरा स्पोर्ट्स स्कूल निडाणी में। निडाणी में हाँ। अच्छा, फिर मैं उड़ा वो उड़ मैं या नेशनल स्टाइल कबड्डी ली थी, फिर मैं नेशनल लेवल तक खेला था। अच्छा, कोच साहब का नाम क्या है? नरेंद्र देसवाल। अच्छा कितने स्पोर्ट्स करी उड़ा के कोच ने, स्पोर्ट कितनी करी? फुल स्पोर्ट थी वहाँ पे तो। अच्छा, न्यू कौन था? क्योंकि आप जहाँ हाँ कोई खेल हिस्सा हुआ है कि उड़ा जाएगा बैंस भी बंद जाए है, कि अगर वो उसका अच्छा खेलने लग रहा है तो थोड़ा लगा भाई मेरे तो आगे कुकर बढ़ गया, तो बैंस तो नहीं बनती किसी को बोला? ना बैंस कुछ कौन थी, बहुत आराम तो रहे कर दे भाई। अच्छा, कि उस डाइट में क्या ले कर दे? डाइट में वही सवेरे बादाम पानी और सुबह शाम, फिर दोपहर में वही चूरमा वगैरह अपना देसी खाना। अच्छा मतलब देसी खै खै गात पाया है। हाँ बिल्कुल, दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगा का प्रोसीजर के क्या रहा, थोड़ा था कबड्डी था? उसके बाद भाई मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी 2019 में। इंडियन आर्मी किस बेस पर ज्वाइन करी थी? इसमें पहला फिजिकल लेवल ही देखा, मैं तो बस इतना सोचा था कि फिजिकल पास करनी है, मतलब कि अलग था। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम था। हाँ फिजिकल में मैं और लड़कियाँ तक बहुत बहुत देर पहले आ गई थी, बहुत ज़्यादा गैप था भाई। अच्छा, फिर कौन सी सन में लग गए थे आप? 2019 में भाई। 2019 में लग गए थे। ओडा ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करना पड़ा? ट्रेनिंग में ओडा हर प्रकार प्रो, मतलब वो CMP है मिलिट्री पुलिस, तो उसमें ड्राइविंग और अपने सिग्नल की ट्रेनिंग हो जितनी वो, और फिजिकल तो होता ही है, और उसके साथ साथ प्रोवोस्ट की जितने भी प्रोवोस्ट के रूल्स वगैरह है उसके बारे में सब बताते हैं। ट्रेनिंग में कराया के जावा, क्योंकि बहुत से बंदे बहुत सी छोरी छोरे डरे बैठे हैं कि उड़ा जाएगा सवेरे ठाना है, कामड़े मारा है, न्यू करा है, न्यू करा, बहुत सी एक्टिविटी भी उनका अंदर भर ही है, डर भरे हुए हैं, उनका डर खोलने खातर न्यू बताओ कि करवाया जावा उड़ा डिटेल तक?
वो ही बात है, उठे तो भी कर दे भाई सुबेरे। हाँ। उठना तो पड़ा है, एक बार तो दिन थोड़ा नू उठना भी है। हाँ। लेकिन बाद में वो को नहीं होता, जाना तो जाना है के। अच्छा अच्छा, दोबारा तो वो सो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर 10,000 की फीट पे जो अपना ऊंचाई बता जितना छलांग मारी है वो कुकर मिले कि एडवेंचर करना है मैंने कुछ तो मैं मतलब फिर उसके बाद मैं 51 सवेरा गुवाहाटी में पोस्टेड हुई भाई। ओड़ा सी ओ साहब ने देखा, मतलब ओड़ा भी मेरा थोड़ा ज़्यादा फिजिकली तरफ इंटरेस्ट है, मतलब कुछ भी गेम हुआ है, मतलब वहाँ लड़की तो हम आठ है। हाँ, आठ में तो जो 100 की नफरी है 100 में तो आठ छोरियाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब सरांग लाए बास्केटबॉल वगैरह खेलना। हाँ, उस परफॉर्मेंस को देख कर सी ओ साहब ने सोचे कि इसकी थोड़ा अलग लेवल में लेके जाऊं, तो उनने बताया कि एडवेंचर गेम ये है। तो मैं उसमें था, ये स्काई डाइविंग मैंने थोड़ा ज़्यादा रोमांचक सा लग गया, फिर मैं यू सेलेक्ट कर रहा था भाई। मैं न्यू कौन लग गया क्योंकि छोरियाँ का दिल के करा देखो, बुरा न माने मेरी बात का कि छोटा हो है थोड़ी चीप के लिए देख कर डर जाए। न्यू को डर लग गया भाई, मैं इतनी ऊंचा तक कूदूंगी कदर दिल पैट जाए कदर कुछ हो जाए ना भाई। ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने तो कौन डर लगे कदर सच्ची बताऊँ। अच्छा अच्छा, पकड़ लिया चीप के लिए बच्चा ने? पकड़ दी तो कौन, इतना भी कौन, लेकिन नू कौन के ऊपर पड़ गई ट्रेनिंग चाली थी, फिर उसमें देखा है ग्राउंड लेवल पर, मतलब इसका चेक करें ग्राउंड लेवल, फिर एंगल में टांगा है। अच्छा, एंगल में टांग के देखा है कि इसका माइंड डाइवर्ट तो नहीं होता। उसके बाद ये करवा मैं भाई। तो कई बार क्यों हुआ है जब आप ऊपर तक छलांग लावा नहीं तो अपना टेम पे कई बार जो पैरासूट हुआ जिस तक कूदा है वो खुल नहीं पाता टेम पे, जिस तक एक दर्दनाक हादसा भी हो जाए है। कभी मन में न्यू बैक नहीं आवा तो ऊपर तक लग रही है कूदने करे टेम पे नहीं खुला है, कभी चोट फिट लग जाए ना भाई। थोड़ा विश्वास हो जाए साइड में और भी बंदे ने कर रखे हैं बोतन है। हाँ। तो उसका एक और रिजर्व पैरासूट है। अच्छा। अगर यू ना खुलिया तो यू तो खुलेगा एक, मतलब दो तो है ही, अगर दो ऑप्शन हुआ उसमें। हाँ भाई। अच्छा अच्छा, टाइम पर खुल गया था सही समय। हाँ जमा टाइम पर खुल दिया था भाई। अच्छा, पर नीचे आया पाँच के कुछ फीलिंग रही बस शुक्र है मैं बस तो गई नीचे आएगी। बहुत बढ़िया लग रहा था भाई उस टाइम तो। अच्छा अच्छा। हाँ, और लैंडिंग भी बहुत सॉफ्ट हुई थी मेरी। पहले हम बोल रहे थे कि लैंडिंग में चोट लग गया, मतलब बहुत बंदे की टांग टूट जाए रीढ़, मतलब जो ज़्यादातर तो इसमें घुटना और रीढ़ की हड्डी टूटा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरी बहुत सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो किस जगह लग गए भाई। फिर किस जगह पर? या मिस हमारी भाई। अच्छा अच्छा, फिर जब ऊपर तो उड़कान लग रहे थे, ऊपर बहुत से पक्षी उड़े हैं, कोई सा अगर टकराव होया ना भाई? सर टकराव तो ना होया ना ना भाई। हाँ, चील को वे उड़ा है, कदे वो दौर होगा लिकड़ गया हूँ तो बैल लग गया, कदे मार दे कुछ ना। उस टाइम तो भाई नुए था वैसा, ऊपर देखना अपनी एक अपनी छतरी की साइड जा रही है, उसकी कंट्रोल करने पे ध्यान था ज्यादातर तो। अच्छा अच्छा, पहले की कोई ट्रेनिंग भी हुआ है भाई? न्यू करना है, न्यू उतरना है, नीचे न्यू लैंडिंग करानी है, कुछ बताया जाओ है पहले ऊपर जानते। हाँ भाई, नू तो बता कि इस टाइम पे यू ब्रेक मारोगे तो यू एक्शन होगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर जब जीत के आ गए थे, गांव गुम का के कुछ माहौल था, परिवार का के कुछ रिएक्शन था भाई जो देखने में मिले? गांव का माहौल बहुत बढ़िया था भाई, पूरा गांव पूरा जश्न में दिखाई दे रहा था। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी थी पूरे गांव ने, तो मुन्ने भी पूरे गांव की खुशी को देख कर और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मतलब नहीं था भाई, आज तो नहीं लग गया जमाने छाती पाटन में जहा तो भाई ऐसा काम कर दिया जो कभी सोचा नहीं था। हाँ भाई, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। हाँ, मतलब कि वही बात आएगी नू लगा था। हाँ, मेहनत का फलकड़ियाँ तो मिल ही है। बिल्कुल मिला है। तो परिवार वाले किसा का रिएक्शन था, क्योंकि आप एक आम परिवार थे, मैं मध्यम वर्ग था, आप उठ खा जावा हाँ, फिर इतना बड़ा आप काम करा हाँ, तो आगे परिवार वाले की कुछ रिएक्शन था देख कर? परिवार वाले तो आपने भी बेरे भाई कितने खुश हो उसके हैं। अच्छा, जब पूरा गाँव खुश था तो परिवार वाले तो और भी ज़्यादा खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई, इतना बढ़िया काम करा है बेबे ने, क्योंकि एक केकरा नहीं भीतर के कोई दृढ़ निश्चय हो, अगर मैंने ये काम करना है तो काम ओ है, केकरा की हिम्मत करने वाला एक हथियार को नहीं होंगी, हर सवेरे उठना पड़ा है अगर कुछ पाना है तो और के कुछ सोच रखे अपना आगे फ्यूचर प्लान? आगे भाई और रिकॉर्ड बनाओगे? अच्छा, आज 10,000 का था तो 20,000 का बनाओगे। अच्छा, 20 आगे भी वो सोच रखे आगे भी? हाँ भाई, पहले इसका ये, फिर उसके बाद कॉम्बैट फ्री फॉलो है। हाँ। बैलून है, सोचे कि सारे करके दिखाना है। तो
अगर इसमें एक बार ईसा ले लिया तो ले लिया। तो बेबे आप जो कर आपने इतना अच्छा काम करया है तो आप पीएम तय राष्ट्रपति तय की सोता मुलाकात होने का मौका मिला है भाई को मिले वक्त? हाँ भाई 16 दिसंबर ने मिले थे हम दिल्ली आर्मी चीफ हाउस में। अच्छा अच्छा हाँ। तो की कुछ बातचीत हुई उड़े? यही बातचीत हुई थी, बोले कि उन्होंने आर्मी चीफ ने बताया कि हमारे ये लांस नायक एमपी मंजू इसने 10,000 फुट से डाइव किया और रिकॉर्ड बनाया है, फर्स्ट वुमेन सोल्जर है। तो प्रधानमंत्री बहुत खुश थे, बोले कि गुड शाबाश, ऐसे ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अच्छा अच्छा तो भी तरते एक हल्की जी वाई भी को नहीं आई बा देखो जिस प्रधानमंत्री ने बट टीवी में देखने लग रहा हाँ, और एक आम आदमी मिल नहीं सकता उनता मिलने का मौका मिला, उनता शुभकामना लेने का मौका मिला। बहुत मन में तो बहुत है भाई, किसी ने मौका नहीं मिलता नॉर्मल के आज मैंने यूं मौका मिला तो बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं फेस टू फेस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आर्मी चीफ से मिली, पार्टी अटेंड की उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। को गिनीज बुक में भी अपना कोई नाम दर्ज करवाया अपना? हाँ भाई बुक ऑफ इंडिया ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है। अच्छा अच्छा तो और भी बयान के कहना चाहोगे? चूल्हा चौंका तक सीमित रह जाए हैं, उनमें टैलेंट भरा हुआ है कुट कुट का, लेकिन कुछ परिवार की मेंटेलिटी ऐसी रह रही है कि वे उनकी आगे को निबटने धंधे में सोचा है, छोरी ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, चलो ठीक है 2-4 साल बाद इसका ब्याह करवा दें, घर का काम सिखा दो या ती मशीन मशान सिखा दो, उनकी आगे बढ़ने का मौका और मिलता है, उनके भीतर में जो उनका एक जुनून हुआ है वो मर जाओ। अनुए कुंभाई जिसने जितना ज़्यादा मौका मिल सके तो उसका एक सही फायदा उठाओ। अच्छा। और ज़िंदगी में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर पाऊँगी ना कर पाऊँगी, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन परिवार वाले जो माँ बाप देखने लग रहे उनते केक हो गए, मैं तो आगे कौन जाने देंदे सोरिया ने? भाई सा तो कुछ नहीं है, सारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बालक आगे जावे, आजकल तो पहला ही करता है लड़का लड़की, लेकिन मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है लड़का लड़की, मेरी फैमिली मेरे आसपास में मैं देखा है तो ऐसा कुछ नहीं है, बोल रहे हैं कि लड़की ने नू कहेंगे मेरे तो गांव में पूरा गांव में कदे कुछ नहीं गया किसी ने। अच्छा तो देखो भैया आपने इतना अच्छा काम करया हरियाणा का बल्कि भारत का नाम रोशन करया है आपने और अपना गांव का नाम रोशन करया, माँ बाप का नाम रोशन करया है, तो उन छोरियों तक ये कहना चाहोगी जो बिल्कुल अपनी एक ऐसी ऐसी वीडियो ऐसी ऐसी बनावा है जिसकी देख ध्याने कोई आम परिवार है वो शर्मैज है? मैं वो तो फालतू का टाइम वेस्ट है, उसकी तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए, और अगर आप मेहनत करा कि वो उसमें भी उनका टाइम खराब हुआ है, मेहनत थोड़ी बहुत तो कड़ी उनकी ओड़े भी लग गए, तो मेहनत करा तो इसी जगह करने चाहिए काम भी आवे, आस पास आड़े भी सोचें कि हाँ बढ़िया है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, परिवार ने नीचा देखना पड़ा है, परिवार ने आँख झुका खाली करना पड़ा है दूसरा का शमी, तो भाई तो उसकी छोरी है वो जान लग रही है। हाँ भाई भाई ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो ताऊ जी बैठे होते दो चार बात करें। राम राम ताऊ। राम राम भाई। देश का मतलब सारा भारत का मतलब नाम कढ़ा दिया है, गांव का मतलब है घर का है सारा मतलब बहुत बढ़िया कर। अच्छा तो देखो बहुत सी छोरी देखने लग रही आज का टाइम फूड काम करने लग रही है, उन छोरियां तो क्या कहोगे? छोरियां तो भी बढ़िया कहेंगे, बढ़िया जो करी मंजू ने करा मेरा अपना मतलब बढ़िया काम करो, उनकी भी अपना पूरा गांव ना पूरा हरियाणा ध्यान दे भाई, पूरा अपना नाम कमाओ, वो कमाएंगे वो न्यू थोड़े कहेंगे भाई वो है बढ़िया करांगे भाई बढ़िया करो भाई। हाँ देखो भाई इस इंटरव्यू का मतलब यूँ था कि थोड़ा मोटिवेशन मिला है और बेबे के बारे में दिखाया जाए ताकि और कोई अगर थकैर के बैठे है उसमें भी जज्बा है आगे बटन का तो उसकी भी थोड़ा और मोटिवेशन मिला आगे जाकर, तो बेबे मैं आप बेबी आप तो शुभकामनाएं देंगे और आप आगे और भी बताओ आप 20,000 के 50,000 की धन्यवाद भाई जरूर करांगे भाई। तो इंटरव्यू किसा लग गया भाई? आप नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दे दिए और वीडियो ना ज्यादा शेयर करो, आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप देखने लग रहे हो गए तो नीचे प्यारे कमेंट जरूर दे दियो, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय हरियाणा।